हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। वेल, आज मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए दूसरा प्रोडक्ट वीडियो। तो वीडियो क्या है आप लोगों को तो पता ही होगा नीचे टाइटल देख के। तो पूजा से पहले मैं चाहती हूँ कि मेरा हर एक जो व्यूअर्स है वो एकदम से डायमंड की तरह एकदम से ग्लोइंग हो जाए, एकदम से हो जाए। तो आज का जो प्रोडक्ट वीडियो है, वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं खुद अपने पैसों से परचेस करने के बाद आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोडक्ट वीडियो। वो है ये। तो ये बहुत लोग हो सकता है कि जानते भी है, यूज़ भी की है। तो ये है डॉट एंड की का स्किन केयर प्रोडक्ट। तो जी हाँ, तो ये प्रोडक्ट है एक्चुअल में इल्यूमिनेटिंग ग्लो एंड डिटेन क्ले पॉलिश। तो इसके अंदर जो है ग्रीन टी है एंड लेमन एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। तो ये किस काम के लिए है ये आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा जो है वो बता देती हूँ। ये है स्टैंडर्ड वुड ग्लो एक्टिव 10 क्लियरिंग फॉर्मूला एंड इसमें नो नेस्टी केमिकल, आई मीन कोई भी केमिकल नहीं है। ये स्टैंडर्ड वुड पाउडर से है एंड ये टैन क्लियर करती है, जिसके कारण मैं इसको परचेस की थी, ठीक है। अभी आ जाती हूँ। ये ना 85 ग्राम से है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इसके पीछे डिटेन क्ले मार्क्स की पिक्चर है, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे ना इंग्रेडिएंट्स है, आपको किस तरह से यूज़ करना है वो है। यहाँ पे है इस टाइप साइड में क्या रिजल्ट आएगी। तो रिज़ल्ट क्या आएगी मैं बता देती हूँ, आई मीन इसमें क्या क्लेम की है कि क्या रिज़ल्ट आएगी, उसके बाद मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसमें जो रिज़ल्ट है वो है ग्लोइंग स्किन, ब्राइटनिंग स्किन एंड ये ना इसमें जो MRP प्राइस है यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ना ऑनलाइन आप परचेस करोगे तो कभी कुछ ऐसा रहता है, जैसे कि ना मैं इसको परचेस की थी 420 इसमें ऐसा ही कुछ था। मैं भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट जब रहता है तभी ले लेती हूँ। आप लोग भी इससे कम भी मिल सकता है, इससे भी ज़्यादा भी मिल सकता है। इसमें MRP प्राइस तो 550 है, 80 ग्राम प्रोडक्ट 550 रुपीज़ में है। एंड इसका ना मैं अभी आप लोगों के साथ पैकेजिंग के बारे में आ जाती है। ये कुछ येलो कलर की पैकेजिंग में आ रही है, बहुत ही हैवी है एंड इसको ओपन में बहुत दिनों से यूज़ कर रही थी इसलिए इसका चेहरा कुछ इस तरह से हो गया है। और ये कुछ एक जो ग्लास है ना, ग्लास में ग्लास की ही है ये जो कंटेनर आप देख रहे हो, ये ग्लास की ही है इसलिए थोड़ा हैवी है। पर मुझे ना इसका जो पैकेजिंग है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक क्यूट सा दिखती है ना, बहुत ही क्यूट सा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना यूज़ करके देख के लिया जाए कि ये अंदर से कितना अच्छा है। इसको कुछ इस तरह से इसका जो कैप है ओपन करना होता है एंड उसके बाद एक लीड रहता है। और ये आप देख सकते हो, ये ना कुछ जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना उसी टाइप की कलर में आ रही है, आई मीन कि चंदन की जो पाउडर है सैंडल वुड पाउडर, तो वही उसी से बना होगा क्ले से। और ये ना D2 तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना मुल्तानी मिट्टी है और इसके अंदर हो सकता है कि सैंडल वुड पाउडर मिक्स किया गया होगा, ठीक है ना। ये 85 ग्राम में है तो कुछ इस तरह से इसका पैकेजिंग है। और इसका जो क्ले है ये जो आप लगाओगे, ठीक है ना, ये बहुत ही ना टाइट है, बहुत टाइट टाइप की है। आप लोगों के साथ मैं इस तरह से दिखा भी सकती हूँ, ये देखो एकदम से मुल्तानी मिट्टी लाइक है। पर इसका जो स्मेल है सैंडलवुड की ही है एंड थोड़ा सा लेमनी टाइप की है, तो अच्छा है। फ्रेग्रेंस ऐसा कुछ नहीं कि जो आपको इरिटेशन होगी। इसलिए इसका फ्लेवर है ना जो वो रिफ्रेशिंग वाला है ही, ऐसा कुछ वो नहीं है। आप देख लीजिए एप्लीकेशन आपको किस तरह से यूज़ करना है, आफ्टर 20 मिनट्स बाद किस तरह से दिखती है आप वो भी देख लेना, मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, देख लो। ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, पर मैं फिर भी बोलूँगी कि यूज़ करने से पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लो, क्योंकि ना हो सकता है कि फेस में डालने के बाद इरिटेशन हो जाए या दूसरा कोई रैशेज वगैरह प्रॉब्लम आ जाए तो अच्छा लगा होगा। इस तरह से मैं अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे वीकली एक बार या 15 दिन में एक बार। तो मुझे बहुत खास कुछ नहीं लगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसमें ऐसा लगा कि मुल्तानी मिट्टी ही मैं ऐड कर रही हूँ और ये ना ऑल स्किन टाइप के लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये ना टैन क्लियरिंग है, क्योंकि ना आपका जो सन बर्न हो जाता है, सन बथ हो जाता है या धूप में ज़्यादा जाने के कारण जो टैनिंग आ जाता है, ये जो क्लेम करता है कि टैन ये क्लियर कर देते हैं, मुझे ऐसा इतना भी नहीं लगता। ज़्यादा हाईली इफेक्ट नहीं देती है, बहुत ही हो सकता है कि होगा कुछ हद तक कम, वो ना बहुत ही स्लो डाउन में है जिसलिए मैं ओवरलुक कर दी होगी। क्योंकि ना एक सेट ज़्यादा आपका जो टैन क्लियर होता है ना वो ना फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट होता है उसके बाद ही फ़र्क पड़ता है, हाँ आपका टैन क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि प्राइस अकॉर्डिंग ये ना एकदम से मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ना एक तो उसमें मुल्तानी मिट्टी है,
ठीक है, दूसरा आप लगाओगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा। दूसरा जो 10 क्लियर का जो इन लोग ने क्लेम करके रखा है कि 10 क्लियर हो जाता है, मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि ना ये बहुत ही स्लो डाउन इफेक्ट हो सकता है कि काम कर रहा है, पर बहुत ही स्लो डाउन इफेक्ट है, क्योंकि ना जिन लोगों के लिए बहुत ही ज़िद्दी वाला 10 हो जाता है, या बहुत सारे लोग ऐसा भी होता है कि दिन भर बाहर रहते हैं सनबर्न हो जाएगा, तो उन लोगों के लिए मैं तो बोलूँगी जो दिन भर बाहर रहते हैं सनबर्न या जिद्दी वाला टैन है, वो इससे हटा नहीं सकते हो, मैं एकदम से लिख के दे सकती हूँ। तो जिसके कारण मुझे ये इतना भी अच्छा नहीं लगता है, बीच बीच में कभी लगा लेती हूँ, क्योंकि ना प्राइस अकॉर्डिंग अमाउंट भी बहुत ही कम है, बस क्यूट सा बाहर से ही दिखती है। एंड मुझे कोई पर्सनली पूछे कि 5 में से इसको कितना देना चाहिए, तो मैं तो 2 या 3 पॉइंट ही दूंगी। ये जो डॉट एंड की का जो स्किन केयर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब हर एक प्रोडक्ट नहीं है, ये जो डिटैनिंग वाला जो प्रोडक्ट है सैंडलवुड का है, बाकी आप लोग ये इस्तेमाल किए होंगे या कर रहे होंगे दूसरी बार, क्या है ना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आप लोग जिन लोग यूज़ कर रहे हो या की हो, मुझे बताना कि आप लोगों को इफेक्ट की है या सिर्फ मैं ही हूँ कि जिनके ऊपर इफेक्ट नहीं हुई है। आज का वीडियो इफेक्टिव लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे नया कुछ प्रोडक्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।